विलास बाबू हाउस ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हो। यहाँ पे कॉटेजेस बुक करने के लिए आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दिया है। ये बेस्ट क्यों है इसको मैं आपके कुछ रीजंस बताऊंगा। ये कॉटेज है पूरा इको फ्रेंडली है। यहाँ पे आसपास जो है मैंगोस ट्रीज है, बाकी के और भी बहुत प्लांटेशन किए जाते हैं और ये माउंटेन पे, तो माउंटेन के होने का फ़ायदा कैसा है, यहाँ से आपको डायरेक्टली आपके कॉटेजेस का जो फ्रंट व्यू है वहाँ से आपको सी दिखेगा, ओशन दिखेगा, वहाँ से आपको देवा बीच दिखेगा और बस थोड़ी दूर के पास वहाँ से आपको सुनामी आइलैंड भी दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉटेजेस टिल नाउ आई हैव विजिटेड इन नियर बाय तारकर्ली मारवन और सिंधुदुर्ग एरिया। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू करिए वीडियो देखना और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक कमेंट भी करिए। आपके पास कोई क्वेरीज हो तो कमेंट में करिए, मैं आपको रिप्लाई इमीडिएटली कर दूंगा उसके ऊपर। सो कीप वॉचिंग। सो दिस इज द डीलक्स रूम, डीलक्स कॉटेज एट लीला बाम्बू हाउस। यू गेट ऑल प्रीमियम एमिनिटीज, टेलीविजन है, देन एसी है, आपको एकदम फील जो आएगा एकदम लग्जरियस आएगा। नॉन एसी रूम भी है बट इट्स बेटर ऑप्शन टू चूज दिस डिलक्स रूम। यहाँ पे आपको कबर्ड्स भी मिलेगा, फ्रिज, और एक लगेज के लिए कबर्ड। और ये है वॉशरूम। शावर भी है, सोलर वाटर है। बैम्बू में आप देख सकते हो बहुत से मैंगो के ऑर्चर्ड है और प्रॉपर्टी ये पूरा फोकस है इको फ्रेंडली टूरिज्म। यहाँ पे कोई पेड़ वेड़ कुछ काटे गए नहीं है और यहाँ पे चार पांच कॉटेजेस है इसका मैं आपको दिखाऊंगा। और नीचे आपको 5 मिनट के डिस्टेंस पे आपको नीचे ज़रा सा थोड़ा बहुत एक ट्रैक करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको एक प्राइवेट बीच मिलेगा जो कि इसी प्रॉपर्टी के लिए, जो भी यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं उनके लिए है। उसके सामने आपको देवबाग बीच दिखेगा वहीं से, और उसके आगे सुनामी आइलैंड है, वहाँ पे आप वाटर स्पोर्ट्स भी एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगा वो सारी चीज़ें जो कि पहुँचेंगी। सो जिस प्राइवेट बीच की बात में जो कर रहा था वो आप देख सकते हो मेरे बैक साइड पे ही। सो यहाँ से जस्ट इट विल टेक अराउंड 15 मिनट्स टू रीच एट द बीच। तो हम दिखाएंगे कि कैसे एडवेंचर एक शॉर्ट ट्रैक रहेगा हमारा और देखते हैं कि क्या क्या हम नीचे फेस करने वाले। यहाँ पे बहुत सारे सुपारी के पेड़ देख सकते हो आप, ये सारे सुपारी के पेड़ है जो पान में सब सुपारी लगता है ना उसके पेड़।
और फाइनली आफ्टर शॉर्ट एडवेंचर वी हैव रीच दी प्राइवेट बीच। ये गेस्ट कौन है? चलिए गेस्ट निकल चुके हैं, आप चलते हैं बीच की तरफ। ये है भोगवे बीच। वाओ, वन ऑफ द बेस्ट बीच। और अगर आप आते हो यहाँ पे लीलाज मांबू हाउस पे तो आपको ये प्राइवेट बीच पे एंजॉय करने मिलेगा, वरना यहाँ पे अलाउड नहीं है। और दूर आप देख सकते हो वो है देवबाग बीच, और जहाँ पे बोट्स रुके हुए वो सुनामी आइलैंड। अगर आपको बोट राइड एंजॉय करनी हो सी में तो यहाँ पे बहुत से बोट अवेलेबल है, जो आपको देवबाग, देन आपको न्यूटी फोर्ट और सुनामी आइलैंड का राइड करवाएगी। तो एक कॉर्नर से दो और कॉर्नर पे लेके जाएगी, उसके चार्जेस आप डायरेक्टली आके यहाँ पे पूछ सकते हो, कोई फिक्स चार्जेस नहीं होते यहाँ पे।